हेलो uh, फ्रेंड्स आज हम जे ओ आई टी का जो सेकेंड लेक्चर है उसको स्टार्ट uh, करने जा रहा हूँ मैं तो उसमें जो हम सबसे फर्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक बताऊंगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इसमें होते हैं और उसके बाद इसी चीज़ से रिलेटेड हम जो है वो नेक्स्ट एम करेंगे क्लियर तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैं अगर आपको बताऊं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आर्किटेक्चर में आती हैं जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो है कि इनपुट आउटपुट यूनिट uh, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट इन सब चीज़ों को मिला के जो हमारे पास आर्किटेक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अब यहाँ से देखिए तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉम द बेसिक बैकबोन ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है बैक है कि कौन कौन से कम्पोनेंट्स जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए uh, इकट्ठे होकर जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर उनको इकट्ठा करके कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो बनाए बनाया जाता है यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आ सकता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970 ये आपने ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आया था वो कब आया था 1970 में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट ये जो है दैट इज़ ब्लॉक डायग्राम है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है तो क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं इनपुट यूनिट है इनपुट डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं देन सीपीयू है तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जैसे रैम और रोम हो गया क्लियर तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास क्या बनता है बेसिकली सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपने ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ होते हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गया पेन ड्राइव होगी सी डी डी बी डी ये जो है वो सी पी यू का पार्ट नहीं होती है तो सी पी यू का पार्ट क्या होता है कंट्रोल यूनिट लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्लियर तो कई बार अगर क्वेश्चन क्वेश्चन like में आपको ये पूछा जाए कि सीपी यू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल यूनिट अगर ये लिखा है तो आपने इसको जो है वो राइट आंसर कंसिडर करना है और अगर मान लीजिए ये लिखा है कि कंट्रोल यूनिट लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट लिखा है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं तो बोलने का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या क्या है तो आपने ध्यान से देखना है कि कंट्रोल सीपी यू के लिए कौन कौन से यूनिट्स का होना जो है वो जरूरी होता है दैट इज कंट्रोल यूनिट और मैथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट हो तो कौन सा होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो है वो होना चाहिए अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि इनपुट डिवाइसेस का मान सक मान लो ये आपका आपको ये पूछ, ले, पूछ लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है तो वो भी हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन मेनली आपको ये बन सकता है कि कंट्रोल uh, यूनिट का काम क्या होता है तो कंट्रोल यूनिट जो है वो एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे भेजना है किस कंप्यूटर के पार्ट पे भेजना है जैसे मान लीजिए कोई इनपुट इंस्ट्रक्शन आ रही है तो उस इंस्ट्रक्शन को लॉजिकल यूनिट के पास भेजना है कि मेमरी के पास भेजना है कि डायरेक्ट आउटपुट के पास भेज देना है दिस इज डिसाइडेड बाई द कंट्रोल यूनिट जिसको हम सी बोलते हैं क्लियर तो सी जो बेसिकली ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह काम करता है जो ये कंट्रोल करता है कि कौन सी ट्रैफिक किस साइड से आ रही है और उसको कहाँ पे भेजना है तो आपने ये ध्यान रखना है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में आपके दो चीजें आती हैं रैम रोम और उसके जो जितने भी टाइप्स होंगे वो भी आ जाएंगे उनको भी हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे अर्थमेट्रिक लॉजिकल यूनिट यहाँ से आपको ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो कैलकुलेशन या लॉजिकल डिसीजनस होते हैं कंप्यूटर में वो कौन सा पार्ट जो है वो करता है तो वो आपने ध्यान रखना है अर्थमेट्रिक लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशन से रिलेटेड या फिर कोई लॉजिकल डिसीजनस होंगे तो वो भी कौन करता है करेगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉम्पोनेट्स ऑफ कंप्यूटर पे तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखिए अगर डायरेक्ट एक मान लीजिए मैं आपके सामने एक डेस्कटॉप रखता रख तो उसको आप कंप्यूटर नहीं बोलते तो कंप्यूटर क्या होता है उसमें एक इनपुट डिवाइस भी होना चाहिए आउटपुट डिवाइस भी होना चाहिए उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होना चाहिए प्लस उसमें मेमोरी यूनिट भी होना चाहिए जिसमें हम परमानेंटली चीज़ों को स्टोर करते हैं जैसे हार्ड डिस्क है मान लीजिए आपका कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर नहीं बना आपका

नेक्स्ट uh, है इनपुट यूनिट जो प्रीवियस वाले आर्किटेक्चर की तरह जो डिवाइस यूज किया था दैट इज इनपुट यूनिट तो क्या काम करता है इनपुट यूनिट का क्या काम होता है आपने कंप्यूटर पे इनपुट को कैसे एंटर करना है जैसे की हो गया माउस हो गया ये बेसिकली इनपुट डिवाइसेस होते हैं तो आपने ध्यान रखना कि इनको इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं इनपुट यूनिट बोलते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अब इनपुट डिवाइस का एक साथ में एक ये भी काम होता है कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइंड्री लैंग्वेज सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ इनपुट डिवाइस की ही ये ड्यूटी होती है कि जो डेटा हम एंटर करेंगे उसको बाइंड्री फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर

प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू सेंड करेगा वो कौन रिसीव करता है आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ही उस डेटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कि जैसे हमें डेटा क्योंकि हमारे सामने देखिए कभी भी जब आउटपुट आती है तो वो जीरो वन जीरो वन करके नहीं आती है हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा दिखा दिखाया जाता है तो वो कौन दिखाता है आउटपुट यूनिट दिखाता है ये ध्यान रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है कि प्रोसेसिंग यूनिट में प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस, देन सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस व्हेन ट्रांस सीपी यू ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्राम रजिस्टर टू मेन मेमरी मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सी पी यू जो प्रोसेसर है उसमें सबसे जो क्लोज क्लोजेस्ट मेमरी होती है वो कौन होती है रजिस्टर्स सबसे फास्ट होते हैं उससे कम फास्ट जो है वो कैशी है कैशी के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास होती है रैम तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कई बार कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है दूसरा माइक्रो प्रोसेसर आपको पूछा जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर जो वो

एडिशंस कर सकते हैं आप सब्टशन uh, कर सकते हैं एंड नॉट और गेट ये सारे यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू रजिस्टर्स मैंने आपको बताया सीपीयू से जो सबसे क्लोज क्लोजेस्ट मेमोरी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है रजिस्टर्स तेन कंट्रोल यूनिट का काम मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये काम करता है जितने भी कॉम्पोनेंट्स कंप्यूटर के साथ आपने अटैच किए होंगे उन सबको क्या करेगा कंट्रोल करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए या जो दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके लिए ये सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है कंट्रोल यूनिट करता है तो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या है कॉर्डिनेट टू टू कॉर्डिनेट द कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स को कॉर्डिनेट करना कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो ए एल यू में भेजनी है कौन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में भेजनी है ये सारा का सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है तो बेसिकली इट बिहेव्स एज सुपरवाइजर की तरह काम करता है या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह काम करता है रजिस्टर्स यहाँ पे लिखे हैं रजिस्टर से आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट क्वेश्चन आएगा तो रजिस्टर्स कई बार ये पूछा जाता है कि रजिस्टर जो है वो किसका पार्ट होते हैं मेमोरी का पार्ट है कि कंप्यूटर का पार्ट है कि सीपीयू का पार्ट है तो आपने ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर्स जो है वो होता क्या है बेसिकली रजिस्टर्स में हम डेटा को ही स्टोर करते हैं बट सी पी यू यूज़ करता है रजिस्टर्स को अपनी प्रोसेसिंग के लिए और बड़ा लेस अमाउंट जो है वो डेटा का स्टोर किया जाता है जिसमें रजिस्टर्स और रजिस्टर्स को हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रजिस्टर कौन यूज़ करता है सीपीयू तो सबसे फास्टेस्ट कौन से होते हैं रजिस्टर्स होते हैं जो सबसे क्लोज़ होते हैं कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी तो साइज ऑफ़ रजिस्टर्स भी वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में उनको भी हम फत्ता डिस्कस करेंगे कि कौन कौन के कौन कौन से टाइप के रजिस्टर जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसमें सी बी यू नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज माइक्रोप्रोसेसर यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो एक जरूर आएगा जैसे कि प्रीवियस वाले इस पेज में मैं हमने डिस्कस किया कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बेसिकली किस चीज़ से बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट से तो माइक्रो प्रोसेसर इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज़ अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड विच इज़ यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज कंप्यूटर इवन कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं डिजिटल वॉच में इसको यूज़ किया जाता है द स्पीड ऑफ द सी पी यू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कौन सा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं जैसे आज की डेट में इंटेल यूज़ किया जाता है आई थ्री यूज़ करते हैं आई सेवन यूज़ करते हैं आई जो वो लेटेस्ट है सो ऐसे ऐसे ये सारे क्या होते हैं आपके पास माइक्रो प्रोसेसरस है चिप्स भी बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसरस को और आप इंटीग्रेटेड सर्किट भी इनको जो है वो बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है दैट इज इंटेल 4004 ये आपने जरूर ध्यान रखना कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आया था वो कब आया था 1971 में आया था कौन सा था इंटेल 4004 और किस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था टेडॉफ और इंजीनियर फेडरिक फेज फैजिन जो भी इसका नाम है और इंटेल बनाने वाली सॉरी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है और वो कौन सी कंपनी है दैट इज़ इंटेल जो आज की डेट में माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था फोर जीरो जीरो फोर ये नोट्स मैं आपके साथ वैसे भी पीडीएफ डी बना के शेयर कर दूँगा तो ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान रखनी है नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेमोरी यूनिट तो मैंने कल भी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है एक प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं और एक सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं तो मैं प्राइम और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है वेयर एज मेन मेमोरी में डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है जैसे रैम है तो रैम आपकी वोलेटाइल होती है जितनी देर उसमें करंट रहेगा या लाइट रहेगी उतनी देर डेटा जो वो स्टोर रहता है और जैसे ही कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है उस टाइम पर आपकी जो मेन मेमोरी है दैट इज़ रैम वो खाली हो जाती है ठीक है तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि रोम को जो है वो मैनुफेक्चरर बनाता है कंपनी बनाती है और जो इंस्ट्रक्शन उसमें एक बार लिखी जाएंगी वो हमेशा वहाँ पर रहती हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते इट डजेंट मैटर कि लाइट ऑन है कंप्यूटर की कि नहीं ऑन है नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज़

कि कौन सी मेमोरी में डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होगा तो आपको कई बार लिख देंगे जी रैम प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो है वो आप परमानेंटली स्टोर करते हैं नेक्स्ट है मदर बोर्ड जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी बोलते हैं या मेन सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है और सी के अंदर होता है ये बोर्ड जिस बोर्ड के साथ जितने भी पैरिफेरियल डिवाइस आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किए हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लॉट्स या फिर जिनको हम पोर्ट्स भी बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड भी बोला जाता है ध्यान रखना है लॉजिक बोर्ड भी बोला जाता है सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं और प्लेनर बोर्ड भी इसको जो है वो बोला जाता है ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच टू दिस बोर्ड ठीक है जी सी पी यू भी जोड़ा होता है इसके साथ रोम भी रैम भी एक्सपेंशन स्लॉट्स भी यू एस बी बोर्ड इवन जो पेन ड्राइव वाले होते हैं हर चीज कंप्यूटर की जितने भी डिवाइस आप कंप्यूटर में अटैच यूज़ कर रहे हो सारे के सारे

दैट इज कॉम्पलीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ठीक है जी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर बैटरीज इसकी फॉर्म है जो बैटरीज कंप्यूटर में यूज़ की जाती है बायोस जीप है जो हार्डवेयर की सेटिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बायोस तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ध्यान रखना है फैन है फैन जो है वो फैन भी किसके साथ अटैच होता है मदरबोर्ड के साथ ही एक्सपेंशन लोड्स हैं कि आपने जहाँ पे रैम को आप इंसर्ट करते हैं जो रैम इंसर्ट की जाती है उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट देन है सिंपल एस एस एम पी एस ये है पावर सप्लाई से रिलेटेड देन पी सी आई है ये स्लॉट्स है हमारे पास प्रोसेसर चिप्स हैं इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बता दूँगा प्रोसेसर चिप्स हैं नेक्स्ट और बसेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर बस क्या होती है तो कंप्यूटर बस बेसिकली क्या चीज़ है कि एक कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल देखिए कंप्यूटर का एक कंपोनेंट ये है एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट मान लीजिए ये है इसने इसके साथ डेटा शेयर करना है इसने इसके साथ डेटा शेयर करना है इसने इसके साथ डेटा शेयर करना है तो सारे पाथ जो है वो आपको अवेलेबल बनाने पड़ेंगे जैसे इसको इसके साथ भी कनेक्ट किया इसको इसके साथ भी कनेक्ट किया इसको इसके साथ भी कनेक्ट किया अब जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में जो है वो तीन ही कंपोनेंट्स हो कंप्यूटर में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट अपने आप में एक दूसरे के साथ डेटा जो वो शेयर करना चाहती है तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर के सर्किट को सिंपल बनाने के लिए एक सिंपल सी जो है वो एक कॉमन बस बना दी जाती है या कॉमन लाइन बना दी जाती है जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलते हैं बस बोलते हैं इसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्लियर तो कॉमन बस बेसिकली क्या है कॉमन बस इज अ पाथ थ्रू विच वन कंपोनेंट शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर कंपोनेंट ठीक है कंप्यूटर के जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ डेटा को कैसे शेयर करता है कंप्यूटर बस इसके साथ इंटरेक्शन ऑफ यूनिट्स सीपीयू सेंड डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन टू द कॉम्पोनेट इन साइड कंप्यूटर एज वेल एज डिवाइस

अगर नेक्स्ट क्या है कंप्यूटर बस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कंप्यूटर बस जो दो टाइप में डिवाइड की होती है एक होती है इंटरनल बसेस और दूसरी होती है एक्सटर्नल बसेस एक्सटर्नल बसेस कौन सी हैं जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ करते हैं सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी बसेज यूज की जाती है एक्सटर्नल बसेस इंटरनल बसेज को कौन यूज़ करता है द इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड मदरबोर्ड के बीच में जो कंपोनेंट्स हमने लगाए होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो पाथ यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल बस बिच इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम बस भी बोला जाता है तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इंटरनल बस को ही हम जो सिस्टम बस भी बोलते हैं इंटरनल बस इंक्लूड फॉलोइंग बसेज इंटरनल बस में कौन कौन सी बसेज आती हैं दैट इज कंट्रोल बस हो गया एड्रेस बस हो गया अगर आपने एड्रेस पास करना है अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को एड्रेस भेज रही है तो वो कैसे भेजेगी एड्रेस बस के थ्रू अगर डेटा भेजना है तो डेटा बस के थ्रू सिमिलर वैसे ही अगर किसी को कंट्रोल सिग्नल भेजने हैं तो वो कैसे भेजते हैं कंट्रोल बस के थ्रू और ये कंट्रोल बस एड्रेस बस और डेटा बस ये सारे के सारे कॉम्पोनेट किसके होते हैं इंटरनल बस के होते हैं एक्सटर्नल बस में क्या है इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आपने कंप्यूटर के साथ लगाए होंगे जैसे जो बाहर लगाए हैं जैसे प्रिंटर लग अटैच किया हुआ आपने मान लीजिए आपने स्कैनर अटैच किया है मान लीजिए आपने पेन ड्राइव अटैच की है तो वो सारे के सारे जो है वो एक्सटर्नल बसेस के थ्रू एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करते हैं नेक्स्ट है ये कुछ टर्म्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड यू पी पावर सप्लाई जो बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है तो ये फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है बफर क्या होता है इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज वीअर रजिस्टर होल्ड द डेटा क्लियर बफर क्या है एक टेम्प्रेरी स्टोरेज है जहाँ पे रजिस्टर्स अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं फॉर सम टाइम जैसे कंप्यूटर शट डाउन होगा या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो बफर की मेमोरी भी जो है वो क्लियर हो जाती है एकामूलेटर क्या होता है एकामूलेटर को भी रजिस्टर ही यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन या फिर टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए जो लोकेशन यूज़ की जाती है या जो रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं वाई सी उनको हम क्या बोलते हैं अकामूलेटर बोला जाता है नेक्स्ट चीज़ है द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि स्पीड ऑफ प्रोसेसर जो है वो कैसे मेजर की जाती है तो यू शुड नो कि मेगा हर्ट्स में स्पीड ऑफ प्रोसेसर जो है वो मेजर की जाती है आजकल गीगा हर्ट्स भी यूज़ किया जाता है जो डी एम ए क्या होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डी एम ए को क्यों यूज़ करते हैं कि अगर इनपुट डिवाइसेस ने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन uh, जो है वो शेयर करनी है सी पी यू को बाईपास कर, करके मतलब सी पी यू को यूज़ नहीं करना है उन्होंने जैसे बीच का इंटरफेस हटा देंगे और इनपुट आउटपुट वो डायरेक्ट मेमोरी को यूज़ कर लेते हैं जैसे आप सिंपल ध्यान ऐसा कर लीजिए जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं ये यहाँ पे मेमरी है ये यहाँ पे क्या है मेमोरी है तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पे बीच में सीपीयू होता है सो so, जब भी कोई इन्फॉमेशन शेयर करनी हो तो इनपुट डॉट बुट डिवाइस क्या करते हैं इसके थ्रू सी पी यू के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है सो विद द हेल्प ऑफ डी एम ए दैट इज डायरेक्ट मेमरी सेस ये क्या करेंगे कि अगर आप डी एम ए यूज़ करते हैं तो सी पी यू को जो है वो बाईपास कर देंगे सी पी यू से आ, होकर सी पी यू से थ्रू होकर इंस्ट्रक्शन जो है वो या डेटा जो है वो सेस नहीं किया जाता है इसका रिजल्ट क्या होता है कि फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो कंप्यूटर की बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि वट इज द फुल फुली एम ए कई बार ऐसा बन जाता है कि वट इज द दर्पज ऑफ डी एम ए तो पर्पज इसका क्या होता है स्पीड अप मेमरी ऑपरेशन ये आपने चीजें जो है वो ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड हम एम सी क्यूज भी आगे जो है वो करेंगे नेक्स्ट केस है इसी का एक लास्ट पेज है उसको भी अभी कर लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है यूजर इंस्ट्रक्शन देगा तो उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले क्या किया जाता है सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं फैच करेंगे फैच करने के बाद उसको डी करेंगे डी करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको हम स्टोर कर सकते हैं तो बेसिकली ये चार ऑपरेशन होते हैं अब क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि आपने आपको इनमें से कोई पाँच पाँच में ऑपरेशन भी दे देंगे तो आपने चेक करना है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं तो ध्यान रखना आपने फैच डी कोड फैच करने का मतलब कि मेमोरी से उसको उठाओ कि वहाँ से उठाओ कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी उसको फेच करो फेच करने के बाद उसको डी करो डी करने का मतलब है कि उसको कन्वर्ट करो बाइनरी फॉर्म में फिर उसको एग्जीक्यूट कर दो तो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप उससे रिजल्ट देख सकते हैं या फिर आपने उसको अगर स्टोर करना है तो आप स्टोर भी कर सकते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमरी डी द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ऑपरेशन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन और स्टोरिंग तो ये चार ऑपरेशन होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का स्टेप नहीं है ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं ठीक है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एग्जीक्यूट साइकिल के कौन से स्टेप्स होते हैं इन किन स्टेप स्टेप नंबर एंड एंड आर सेम नोन एज साइकिल जो पहले दो स्टेप्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं फैच साइकिल ध्यान रखना ये फैच साइकिल होते हैं और ये कौन से होते हैं दोनों एग्जीक्यूट साइकिल ये यह यहाँ पे लिखा है कि नंबर स्टेप नंबर थ्री एंड फोर आर इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल साइकिल एंड स्टेप नंबर वन एंड टू जो स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड है दैट इज़ फेचिंग एंड डिकोडिंग ये किसके पार्ट होते हैं फेच साइकिल के पार्ट होते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेनली किस फॉर्मेट में दी जाती हैं जीरो और वन के फॉर्म में हम तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने फॉर्म में देते हैं बट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बाद में कैसे कन्वर्ट करता है मैंने आपको पहले बताया जब भी आप सी इनपुट डिवाइस से कुछ भी एंटर करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस ही उसको जीरो और फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर के, के, के पास भेजता है या सी के पास भेजता है सो so, जिसको हम क्या बोलते हैं मशीन लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरो एंड वन ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है जिसको हम कई बार बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी इसको जो है वो बोला जाता है क्लियर नेक्स्ट है द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स प्रोसेसर के पास जब भी कोई आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके पास टू इनपुट्स जो है वो मेनली होनी चाहिए एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसके साथ जो डेटा है उसका बेसिकली करना क्या है तो इतना जो है वो किसको पता होना चाहिए प्रोसेसर को इतना पता होना चाहिए द इंस्ट्रक्शन टेल द प्रोसेसर वक्शंस आर नीडेड टू बी परफॉर्म इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसर को ये बताती है कि आपने करना क्या है करना क्या है और किस पे करना है जो किस पे करना है वो डेटा हो जाएगा करना क्या है वो आपको इंस्ट्रक्शन में देना पड़ेगा क्लियर सो so, दो चीज़ें होती हैं कि आपने करना क्या है और किस पे करना है तो किस पे करना है वो डेटा होगा जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलू जी की फोर का स्केयर है तो स्केयर जो है वो इंस्ट्रक्शन हुई और फोर जो है वो वहाँ पे डेटा हुआ तो फोर का स्केयर कितना होता है फोर की पावर टू कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो डेटा यहाँ पे फोर है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू परफॉर्म परफॉर्म द स्कीयर ऑफ द डेटा उसका जो है वो हमने स्कीयर करना है द इंस्ट्रक्शन टेल द प्रोसेसर वक्शन आर टू बी नीडेड परफॉर्म देंट्रक्शन इज फर्दर डिडेड इंटू टू पार्ट इंस्ट्रक्शन जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ध्यान रखना है एक को हम बोलते हैं ओप कोड और एक को बोलते हैं ओपरेंट ऑपरेंट क्या होते हैं बेसिकली मान लीजिए आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि कहीं पर मान लो कोई लिख एक इंस्ट्रक्शन लिख दी उन्होंने ए प्लस बी तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो है वो ऑपरेटर है ये क्या आपके पास ऑपरेटर और ये क्या है आपके पास उपरेंट्स। उपरेंट्स कौन से हैं पे ऑपरेंट्स है ए भी ऑपरेंट है और बी भी जो है वो ऑपरेंट है ऑपरेटर कौन है प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन ये ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेटर जो है वो हमेशा ऑपरेंट्स के बीच में जो है वो रखे जाते हैं क्लियर तो ओ... एक इंस्ट्रक्शन के मेनली दो पार्ट होते हैं आपने ध्यान रखना ऑपरेशन की क्या करना है और ऑपरेंट किस पे करना है ये आपको पता होना चाहिए दूसरा इसके जो कि कुछ टर्म्स दी हुई हैं जैसे मशीन साइकिल इज डिफाइंड बाय द टाइम दैट टेक्स टू फैच टू ऑपरेंट्स फ्रॉम द रजिस्टर एंड परफॉर्म ईयरली ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर रिजल्ट को जो है वो टेंप्रेरी कहाँ पे स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स में पाइपलाइनिंग क्या होती है पाइपलाइनिंग इंप्रूव एग्जीक्यूशन स्पीड एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है वो हम पाइपलाइनिंग का यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप्स जितने भी स्टेप्स होंगे उनको पैरलर जो है वो रन कर देते हैं एक एक करके करेंगे तो वो स्लो होता है तो पैरलर रन कर देंगे रेंडमली इकट्ठा ही चला देते हैं कि एक साइड पर एक इंस्ट्रक्शन दूसरी साइड पर दूसरी तीसरी साइड पर तीसरी जिस चीज को हम क्या बोलते हैं पाइपलाइनिंग बोला जाता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एच आपको ये भी पता होना चाहिए कि को क्या सॉकेट्स जो होते हैं वो पोर्ट्स को बोलते हैं कि कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उसके साथ आपने जब एक्सटर्नल uh, डिवाइसेस को अटैच करना है तो उसके लिए जो पोर्ट्स यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सॉकेट्स बोलते हैं तो ये सारा का सारा जो था वो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ चीजें थी अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसके एम करेंगे टिल देन थैंक यू धन्यवाद टेक केयर